भोजन का एक अंश भी नहीं जाता है तो शायद हम सालों साल जी भी नहीं सकते। उसी भूख से मौत की मुद्दे को हम लेके अपने झारखंड में अपने देश में काम कर रहे हैं, तो इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि भूख से मौत क्यों होती है? क्या भूख से मौत इसलिए होती है कि आपने खाना नहीं खाया या आपको राशन नहीं मिला? तो मेरा ये कहना है कि भूख से मौत सिर्फ राशन ना मिलने से, खाना ना खाने से नहीं होती है, बल्कि सबसे बड़ी हमारे पास जो दिक्कतें आ रही है वो है बेरोजगारी। क्योंकि आज आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो रोजगार है ही नहीं। आज रोजगार के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। आज गाँव में ग्रामीण तरबतर हो रहे हैं, वो 100 से लेके 150 रुपए कमाने के लिए परेशान है कि कोई हमें काम दे दे तो मेरा घर का गुजारा चल जाए। ये कह के आज लोग परेशान हैं। इसे कहते हैं हम भूख से मौत। जहाँ लोगों को काम नहीं मिलता, जहाँ टाउन सिटी नहीं है, जहाँ होटलें नहीं है, जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है, जहाँ बड़े बड़े मॉल्स नहीं है, वहाँ के लोगों का क्या कहना? उनको कोई काम नहीं मिलता। और अगर मैं कहूँ कि हमारे झारखंड की परिस्थिति और पूरे देश में भी, अगर हम थोड़े से सिटी को थोड़ा सा छोड़ के साइड एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर्वत आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं, जहाँ सुखाड़, सरकार कह देती है कि सुखाड़ घोषित हो गया, ये सुखाड़ जमीन है। लेकिन सरकार ने कभी ये सोचा कि आज अगर ये सुखाड़ घोषित है तो यहाँ के लोग कैसे खेती कर पाएंगे, कैसे जिएंगे? ये हमारी परिस्थिति है भूख से मौत की। क्योंकि जमीनें सूखी पड़ रही है, पानी जमीन के अंदर जाता जा रहा है क्योंकि लोगों के पास पानी नहीं है। आज लोगों के पास पानी नहीं है तो ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, आज ये भी बात है कि आज हमें पीने के लिए तक भी पानी नहीं मिल रहा है। आज राजस्थान में आप देख लो, पीने के लिए पानी नहीं है। हम ऐसे पानी को पी के जी रहे हैं जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन भी हमें ऐसे गटर के पानी को निकाल के दिया जा रहा है कि आप इसको प्राइवेट पंप से, प्राइवेट पाइप से लगाकर आप फिल्टर करके उसे डब्बे पे, बॉटलों पे भर के 10-10 रुपए में घर घर तक पहुंचाया जा रहा है और उस पानी को पीने के लिए कहा जा रहा है। सरकार को इसका भी अंदाजा नहीं कि आप एक जीने के बात करते हैं तो आप पानी तक नहीं दे सकते, तो फिर आप जीने की बात क्या करते हो? यहाँ शिक्षा की बात कहें तो शिक्षा की ये कमी है। आज सभी जगह टीचर्स हड़ताल कर रहे हैं, टीचर्स को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, टीचर्स कह रहे हैं कि हमारी समय बढ़ाया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन टीचर्स को वहाँ मारपीट किया जा रहा है। और वहाँ पे हमारे झारखंड में पूरे के पूरे विद्यालय, जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे वो सभी स्कूलें 17 तारीख से लेकर आज एक हफ्ता पहले की बात करो जिसमें मैं सर्वे के लिए गई हुई थी, पूरे स्कूल बंद है। अब बताइए क्या ये शिक्षा है जहाँ बच्चों को खाना तक नहीं मिल रहा है? पीवीटी जी, जहाँ आदिम जनजाति की बात करें, वो बच्चे भी खाना नहीं पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं भूख से मौत। स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पतालों में मरीजों के लिए, मरीज जब जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप अस्पताल में नहीं, आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ। उनके पास पैसे तक नहीं है और वो अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में लेते हैं और उनके पेशेंट बाहर में ही अपना दम तोड़ देते हैं। इसे हम कहते हैं भूख से मौत। भ्रष्टाचार तो पूरी सरकार ने बना के ही रखी हुई है। जल जंगल जमीन हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जंगलों से वहाँ के आदिवासियों को हटाया जा रहा है। जहाँ पेशा कानून की बात करते हैं, हमारे खूंटी की बात मैं कहूँ तो वहाँ पे हमने पेशा कानून से कहा कि ये हमारी ग्राम सभा है और हमें बिना पूछे आप हमारी जमीन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अडानी को गोड्डा में, हमारे गोड्डा एक जिला है, अडानी को वहाँ पे जमीन दे दिया गया बिना ग्राम सभा को पूछे। और खूंटी की भी यही स्थिति करने के लिए वहाँ पूरी प्रशासन पहुँची थी। जैसे ही लोगों ने विरोध किया वहाँ फायरिंग शुरू कर दी गई और कई लोग मारे गए और उन लोगों को नक्सलाइट घोषित कर दिया गया और उन लोगों को, वो लोग आज जेल में हैं। ये स्थिति हमारे झारखंड की बन रखी है। पेंशन की हालत कहे तो पेंशन आज भी 600 रुपए मिल रहे हैं और सरकार यहाँ महंगाई बढ़ाती जा रही है। जहाँ सरकार कहती है कि आपको पेंशन मिलेंगे, लेकिन आज 1000 रुपए गैस के चलते आज सभी कोई गैस की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ गैस को अपने घरों में लेकर लोग वहाँ आराम से रखे हुए हैं ताकि कोई मेहमान आ जाए तो हम चाय बना के दे देंगे, क्योंकि गैस खत्म हो जाएगा और अगर गैस खत्म हो जाता है तो हम उसे भरा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास 1000 रुपए नहीं है। इसे हम कहते हैं भूख से मौत। पोषण की बात करें तो 8 महीनों से झारखंड में आंगनबाड़ी में पोषाहार नहीं मिला है।
ना तो महिलाओं को मिल रहा है, ना तो बच्चों को मिल रहा है। और मिड डे मील की बात तो क्या कहें, हमारी सरकार यह कहती है कि बच्चों को हम अंडे दे ही नहीं सकते क्योंकि पॉल्ट्री फार्म नहीं है। तो फिर उन्होंने घोषणा क्यों किया कि हम मिड डे मील मध्याह्न भोजन में हम बच्चों को अंडे भी देंगे। आज हमारे यहाँ की परिस्थिति इतनी बेगुजर बन गई है कि हम चाहते हुए भी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं क्योंकि आप देश को बदनाम करने का काम करते हैं। मातृत्व हक की बात करें तो आप देख लो, कहीं भी किसी भी महिलाओं को आंगनबाड़ी में पूछ के देखिए तो 6,000 रुपये अभी तक किसी को नहीं मिले। तो ये 5 साल में जहाँ भी मातृत्व हक के लिए पहले पायलट किया गया था वहाँ भी अब तक 6,000 रुपये सभी लोगों को महिलाओं को नहीं मिल पाए हैं। तो इस तरह की बात जो आती है इसे हम कहते हैं भूख से मौत। जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ राशन नहीं है, जहाँ जमीन नहीं है, जहाँ खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन नहीं है, तो वहाँ लोग कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। दूसरा कि हमारे यहाँ झारखंड में यह भी है कि गौ हत्या के नाम से लोगों को जबरदस्ती 5-5 दिन का रिमांड में रखा जाता है, जबकि राइट्स ये नहीं कहता। 5-5 दिन उन लोगों को मारपीट किया जा रहा है, उन्हें थाने में रखा जा रहा है, वो आदिवासी लोगों के ऊपर जबरदस्ती गौ मांस खाने का केस उन पर लगाया जा रहा है। और कहीं कहीं ये भी है कि आप गाय मांस खा रहे हैं इसलिए गौ माता के नाम पे नर हत्याएं की जा रही है। तो ये कौन सा राइट्स है कि आप गौ माता के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे नर हत्या कराएंगे। तो यही मेरा कहना था कि भूख से मौत सिर्फ खाने से नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ रोजगार भी है और स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, पानी भी है, जल जंगल जमीन भी है और हमारा अधिकार है। तो एक बार मैं आप सबके साथ नारा लगाना चाहूंगी, मैं कहूंगी संविधान हमारे आपका, आप कहेंगे नहीं किसी के बाप का, क्योंकि संविधान किसी का खुद का नहीं है, किसी ने अकेले नहीं बनाया है जो वो संविधान को बदलने की बात कहे। तो इसलिए कहूंगी संविधान हमारे आपका, संविधान हमारे आपका, लड़ेंगे। धन्यवाद।